कोरोना महामारी का एक साल पूरे साल खूब बरपाया कहर अब फिर दिखाना शुरू किया प्रकोप। राजस्थान में कोरोना वायरस महामारी को एक साल पूरा होने को है। गत वर्ष फरवरी माह के बाद मार्च के प्रारंभ में कोरोना का पहला केस सामने आया था। हालांकि महामारी पर अब काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन एक बार फिर से इसने प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल कोरोना संक्रमण का पहला केस जयपुर में गत वर्ष मार्च की शुरुआत में मिलने पर प्रदेश में हड़कंप मच गया था। पहला मामला इटालियन नागरिक का सामने आया था। इसके बाद महामारी का प्रकोप बढ़ता गया। कोरोना के कारण प्रदेश में हजारों लोगों की जान चली गई। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ही नहीं बल्कि पूरा सरकारी अमला इसकी रोकथाम में जुट गया। गत वर्ष अगस्त सितंबर में हल्की राहत मिली, लेकिन अक्टूबर माह के बाद अचानक से कोरोना ने फिर पलटी मारी और अपना प्रकोप दिखाया। इसके बाद सरकार और प्रशासन फिर हरकत में आया। सर्वाधिक केस जयपुर जिले में ही देखने को मिले, यह सिलसिला लगातार बरकरार भी है। इससे पहले भीलवाड़ा व रामगंज में बड़ी संख्या में मामले सामने आए। मकर संक्रांति के बाद फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी स्थिति काबू में है। जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर जिले में सर्वाधिक केस मिले हैं। यह सिलसिला 11 महीने से चल रहा है। 2787 लोगों की मौत हो चुकी है। जयपुर जिले में 519, जोधपुर जिले में 306, अजमेर में 222, कोटा में 169, उदयपुर में 123 मौतें हो चुकी है। प्रदेश में 62,88,702 नमूने लिए गए हैं। इनमें से 32,180 संक्रमित पाए गए हैं। इससे अब तक 2,787 मौतें हो चुकी हैं। वहीं 3,16,939 संक्रमित रिकवर हो चुके हैं। वर्तमान में 1,254 एक्टिव केस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।